हम आपको ये बताएं कि सकाफत किसी भी माशरे के लिए रूह की हैसियत रखती है। अखलाकी और माशरती रसूम, इल्म व फ़नून, अकायद व अफकार के मजमू को ही सकाफत कहा जाता है। तो पाकिस्तान की सकाफत मुख्तलिफ रंगों का मजमू है, आला खूबियों, ज़िंदगी से भरपूर और कौमी इत्तेहाद और अमांगी की बुनियाद और पहचान है। और वैसे हम ये कहते हैं कि कुछ मामला ऐसे होते हैं जिसमें ना आफ्टर शॉक्स आने का सिलसिला जारी रहता है। इससे पहले सिंधी कल्चरल डे सेलिब्रेट किया गया था लाहौर में, हमने उसे कवर किया था, उसकी रिपोर्ट हमने अपने लाइव इस प्रोग्राम में दिखाई थी। और उसमें मुझे याद है कि मैं और मेरी को होस्ट शहरबानो, हम जब वो रिपोर्ट देख रहे थे तो हम वो रक्स, जो सिंधी रक्स है, वो परफॉर्म भी करना चाहते थे। थोड़ा बहुत हमने करके भी दिखाया था और हमने ये भी जिक्र किया था कि काश सिंधी अजरक होती तो मज़ा आ जाता। लेकिन वो सिलसिला अभी सिंधी कल्चरल डे की मुनासिबत से वो अभी भी जारी है। और हमारे साथ मौजूद हैं जी सिंधी एक्टिविस्ट और इंडस एसोसिएशन लाहौर के रुकन है अनवर अजीज चांडियो साहब, आज खसूसी तौर पर सुनो पाकिस्तान का हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वस्सलाम वालेकुम अनवर साहब, कैसा महसूस कर रहे हैं आप और सिंधी कल्चरल डे को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये सिलसिला कब से शुरू हुआ और अब तक जारी है, ज़रा जर्नी के बारे में बताएँ थोड़ा। कल्चर तो आप समझते हैं कि हमारी सोसाइटी, हमारे समाज का बुनियादी हिस्सा है, वो किसी न किसी सूरत में मुरव्वज होता है और हम उसको यानी कि अपनाते रहते हैं। मगर उसको सेलिब्रेट करने का सिलसिला गुज़श्ता दो दहाइयों से सिंध में शुरू हुआ और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने सिंध असेंबली से करारदाद पास की कि हर साल दिसंबर के पहले हफ्ते के पहले इतवार को सिंधी कल्चरल डे के साथ मंसूब किया जाएगा। उसके बाद पूरी सिंध में कल्चरल डे हुआ, फिर ये पूरे पाकिस्तान के शहरों में हुआ, अब तो आलमी सतह पर दुनिया के हर लाहौर में शहर किया आपने। लाहौर में लाहौर तो वैसे ही दिलदादा शहर है, यहाँ पर हम इसको कैपिटल ऑफ कल्चर कहते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान मगर बर्रे सगीर में अगर देखा जाए तो लाहौर ही वो मरकज था। साहब आप मेरे लिए अजरक नहीं लेके आए लास्ट टाइम, सर सर रिक्वेस्ट की थी हमने। सर सर रिक्वेस्ट क्या, आपने तो आपने ख्वाहिश का इजहार किया और मुझे ये बड़ी एक शानदार अच्छी चीज लगी जब आपकी और आपके को होस्ट ने एक सिंधी नगमे पर जो खुद गाना शुरू किया तो उसी वक्त मैंने आपकी टीम से यानी कि आपके प्रोफेसर साहब से रब्ता किया। अच्छा। मैंने कहा हम अजरक भी ले आएंगे और डांस भी आपके साथ तो करेंगे। किधर है अजरक, किधर सर? अच्छा, ये आपके लिए अजरक लाए हैं। ये अजरक की एक खास खूबी ये है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। हर मौके पर पहना जाता है, हाँ। बच्चा पैदा हो तो उसके सराने अजरक रखा जाता है, उसकी शादी हो तो अजरक दिया जाता है, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है, जब कोई बंदा मर जाए तो उसके ऊपर भी अजरक डाली जाती है। सिंधी सकाफत, सिंधी कल्चर की इतनी बड़ी शनाख्त है ये अजरक। बिल्कुल सही है। और आई फील ऑनर्ड कि आप मेरे लिए लेके आए और आपने इतने प्यार से मुझे तोहफा दिया, तो इसके साथ कोई सिंधी रक्स वाला भी कोई सीन हम आज दिखाने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास सिंध के कुछ नौजवान है जो यहाँ पर पंजाब में पढ़ते हैं जी जी। और वो हमारे अक्सर प्रोग्राम में शिरकत भी करते हैं। मैं इस वक्त दावत दूंगा, हमारे दो नौजवान हैं अब्दुल रशीद लाशारी साहब घोटकी से हैं और सुमित साहब लारकाना से हैं, और उन दोस्तों को दावत दी जाती है तो आए ना मिलके जरा सेलिब्रेट करते हैं अपने दोस्तों के साथ। आ जाएं आप भी, आ जाएं, आ जाएं, वाह वाह वाह, क्या मुझे भी सिखाएं। अजान बोलता फिर गाहकटन ऐ पेरु पचन मोला करे वरी है लबसन धरका छे ऐ कारू झर थे बादल कारा 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 कारा। वाह 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 जी, मजा आ गया, मजा आ गया। दोबारा जी हम सिंधी टोपी अजरक जो हमारे व्यूअर्स घरों में बैठ के देख रहे हैं, वो भी साथ सिंधी टोपी हिस्सा बने हमारा और सिंधी कल्चर डे को इसी तरह से एंजॉय कर रहे हैं जिस तरह से हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। बिछड़ी बोली गली गली ऐ घर घर गूंजन सिंधु कमर जाना रा 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 जय सिंधु जय सिंधु वारा जी हम सिंधी टोपी अजरक वारा जी हम जय सिंधु जय सिंधु वारा जी हम सिंधी टोपी अजरक वारा जी हम। मैं ठीक कर रहा हूं जी।
व्यूअर्स, आपने बिल्कुल बुरा नहीं मानना है क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ और मैं कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आई एम श्योर कि सब इसको भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे हैं और मैं बिल्कुल सही तरीके से कॉपी कर पा रहा हूँ। तो मैं तो कहूँगा इससे पहले कि मैं इस सिंधी रक्स को मज़ीद ख़राब करूँ, कोशिश मैं पूरी कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकूँ। मैं मज़ीद सीखता हूँ, मज़ीद प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो आप अपने घरों में बैठ कर इस आप भी इस रक्स को प्रैक्टिस करें, और साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि आप हमारी जो फेसबुक पेज है, हमारा जो इंस्टा पेज है, वहाँ पर आप अपनी सकाफत के लिए, उसको उजागर करने के लिए, आप उसको मज़ीद प्रमोट करने के लिए क्या कुछ करते हैं, और अगर सिंधी रक्स की आप वीडियो बनाकर हमें देना तो हम अपने प्रोग्राम में भी दिखाएंगे और अपने सोशल मीडिया के पेज पे भी अपलोड करेंगे। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात और वाकयात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज के यूट्यूब चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।